मोटर डीलर की धांधलीबाजी। फर्जी राशन कार्ड बनाकर मार रहा है गरीबों का हक। सामाजिक चेतना संस्थान के राष्ट्रीय महासचिव पंडित सुभाष चंद्र शर्मा ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। जहां हर तरफ योगी सरकार गरीबों के लिए कई नई योजनाओं का शुभारंभ कर गरीबों के बारे में सोच रही है, वहीं कुछ काला बाजारी करने वाले कोटा डीलर गरीबों का हक मारने से पीछे नहीं रहे हैं। दरअसल ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर ग्राम ठाकुर द्वारा तहसील सदर का सामने आया है, जहां कोटा डीलर की धांधलीबाजी सामने आई है। हद तो तब हो गई जब फर्जी राशन कार्ड बनाने के नाम पर 200 से लेकर 500 रुपए तक अवैध वसूली भी की जा रही है। इस संबंध में आज सामाजिक चेतना संस्थान के राष्ट्रीय महासचिव पंडित सुभाष चंद्र शर्मा ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया। जी, क्या नाम है आपका? पंडित सुभाष चंद्र शर्मा, सामाजिक चेतना संस्थान से राष्ट्रीय महासचिव, समाज सेवी। जी, क्या मामला था, आज ज्ञापन दे दिया है, पूरा मामला बताइए। मामला ये था, रामपुर तहसील सदर में ग्राम पड़ताल ठाकुर द्वारा वहाँ के कोटा डीलर पर पूर्व में 307 बटा लग चुकी है, उसके बावजूद भी अनदेखी करते हुए उसका कोटा बहाल कर दिया गया है। कोटा बहाल होने के बावजूद भी जो है गरीबों के साथ धक्का देकर के भगाता है, काला बजारी करता है, और अवैध तरीके से उन्होंने राशन कार्ड बनवा लिए हैं, जो पात्र हैं उनके नाम काट दिए हैं, और जो जाता है उनसे 100 से लेकर 500 रुपये तक की अवैध वसूली कर रहे हैं। दबंगाई है, पहले के उस पर क्या कई मुकदमे दर्ज हैं, इतनी दबंगाई है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि जिलाधिकारी से लेकर उच्चाधिकारी शिकायत करते हैं, पार्टी के नेता उसको निपटारा करते हैं। ये सरकार का कारनामा है। वन में वो सब पेश किए मैंने, लगभग 35-40 जो अधिकारी जांच के लिए जाता है, मीडिया गई थी उसके साथ बदतमीजी करी, इतना दबंगे साहब। योगी जी का दावा झूठ हो रहा है, गुंडे मवाले जेल में हैं, लेकिन गुंडे मवाले आज भी हैं और सत्ता का मजा ले रहा है, सत्ता भोगी है।